डिब्बे में फिट हो जाती थी। इसे वर्ल्ड वॉर टू में जंग में हेलीकॉप्टर के जरिए उसे नीचे फेंक दिया जाता था और इसका इस्तेमाल सोल्जर करते थे। ये बाइक छोटी होती थी पर आगे जाके इस चीज को बंद कर दिया गया क्योंकि ये इतनी भी ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी क्योंकि ये बहुत आवाज करती थी और ये स्लो होती थी। अगर कोई आर्मी वाला तेज भागेगा तो वो इससे भी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर पाएगा। वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब करना। लेकिन ये मुझे काफी फनी लगा। ये पिक्चर को देखो, इसमें इस खिलौने की घोड़े की पूंछ सही लग रही होगी लेकिन इसे आप देखो। एक शख्स ने एक खिलौना खरीदा था जिसके पूंछ के बाल थोड़े अलग थे और उसमें से अजीब आवाज आ रही थी और जब इसने उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर एक बार्बी का सर था और एक घोड़े की डॉल मेड इन चाइना की थी। का डिजाइन तो जरूर देखा होगा और आपने ये पेन यूज भी किया होगा क्योंकि ये पेन ज्यादातर 1 या 2 रुपए में आते हैं। पर ये जो पेन का डिजाइन है ये फ्रेंच लोगों ने 1955 में बनाया था और ये इतना ज्यादा परफेक्ट था कि आज तक भी ये सेम है। बस टॉप में होल को छोड़ के इस पेन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। मजा आ रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना।